जी हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों पोको C55 रिसेंटली लॉन्च हुआ है पोको की तरफ से। पीछे आपको प्रीमियम लेदर बैक डिज़ाइन मिलता है, पीछे की तरफ ही आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है। ये काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में लॉन्च हुआ है और इसका दोस्तों हम डीप रिव्यू चैनल पर कर चुके हैं। 8500 रुपये में आपको इसका 4GB 64GB वेरियंट मिल जाता है। वैसे दोस्तों इसका हमने गेमिंग टेस्ट किया है, पबजी की टेस्ट हम कर चुके हैं, चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर दोस्तों हम फ्री फायर टेस्ट करने वाले हैं इस मोबाइल का। देखते हैं यहाँ पे जो प्रोवाइड किया हुआ प्रोसेसर, गेमिंग प्रोसेसर G85 कैसे वर्क करता है। दोस्तों चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं गेमिंग से। पहले दोस्तों यहाँ पर हम बैटरी लेवल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बैटरी है वो 30% पे और टेम्परेचर 33°C है। यहाँ पर दोस्तों एक सिंगल स्पीकर का सपोर्ट आपको मिलता है, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले, 6.71 इंचेस का बड़ा सा डिस्प्ले, HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों सेटिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा और मैक्स, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। हाई लेवल पर आप G85 से यहाँ पर गेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सेटअप हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर हम हाफ आवर यानी 30 मिनट की गेमिंग करने वाले हैं। दो गेम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हो जाते हैं, पबजी का एक गेम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग टाइम स्टैम्प हम बैटरी बताएंगे आपको कि कितनी यहाँ पे है। 10 मिनट के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्क्रीन मिल जाता है 6.71 इंचेस का और प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। G85 इस प्राइस सेगमेंट में ये गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। वैसे दोस्तों इसका हम BGMI बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट भी कर चुके हैं, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट करता है। चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप जरूर से देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस मोबाइल को ले रहे हैं तो गेमिंग आप फ्री फायर और BGMI दोनों कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कितना परसेंट बैटरी ड्रेन हुआ है। हमने 30% पे स्टार्ट किया था, यहाँ पर 27 है और टेम्परेचर 38 हो चुका है, तो 3% बैटरी ड्रेन हुआ है 10 मिनट के बाद। इस मोबाइल में दोस्तों 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, 10 वाट की चार्जिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 13-15 मिनट हो चुका है और यहाँ पे कोई भी लैग, फ्रेम ड्रॉप अभी तक नहीं यहाँ पे फील हुआ है, हीटिंग भी यहाँ पे नहीं फील हुई है। काफ़ी अच्छे से ये परफॉर्म कर रहा है Helio G85 प्रोसेसर। अगर दोस्तों इस प्रोसेसर के MTU बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करें तो 2,60,000 के आसपास इसके MTU बेंचमार्क स्कोर आता है। काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर इस तरह की गेमिंग, मल्टीटास्किंग के लिए, BGMI की भी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म ये मोबाइल कर चुका है। वैसे दोस्तों यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, 25% पे बैटरी यहाँ पे पहुँच गई है, इसका मतलब यहाँ पे 5% बैटरी ड्रेन होता है अगर आप 20 मिनट गेमिंग करते हैं। नेक्स्ट टाइम इस टाइम दोस्तों हमारा 30 मिनट है, 30 मिनट के बाद चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना परसेंट बैटरी ड्रेन हुआ है। अभी तक काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे गेमिंग हुई है, कोई भी लैग, फ्रेम ड्रॉप दिक्कत मोबाइल में नहीं आई है, काफ़ी अच्छे से ये मोबाइल सर्वाइव कर रहा है। बस दोस्तों मुझे यहाँ पर फ्री फायर नहीं आता सर्वाइव करने के लिए, तो मैं यहाँ पर गेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि ये मोबाइल कैपेबल है या नहीं। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हमारे 30 मिनट हो जाते हैं और हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं। 30% पे हमने स्टार्ट किया था और 22% पे अभी यहाँ पे मोबाइल है, 8% बैटरी ड्रेन होता है और टेम्परेचर भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है, 39°C पे है, ओवरहीटिंग का कोई इशू नहीं है, 22% यहाँ पे बचा है, यानी कि 8% बैटरी ड्रेन होती है अगर आप हाफ आवर यहाँ पे गेमिंग करते हो फ्री फायर मैक्स। तो पबजी BGMI भी हमने गेमिंग की थी, सेम ऐसा ही यहाँ पे स्कोर आया था, 8% बैटरी ड्रेन हुई थी और हमने यहाँ पे हाफ आवर गेमिंग की थी। ओवरऑल दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये मोबाइल देता है, सिंगल स्पीकर है लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है और बड़ा सा डिस्प्ले मिल जाता है, ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतर आपको मिलता है। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मोबाइल का बैक डिज़ाइन है, जो कि प्रीमियम लेदर बैक डिज़ाइन यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड की है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम लगता है। इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप कोई मोबाइल लेने की सोच रहे हो तो ये बेस्ट मोबाइल है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं इसका जो फर्स्ट सेल है 28th of February 12 PM को है, तो डेट जरूर से सेव करके रख लीजिएगा। अगर आपको इस मोबाइल को परचेस करना है तो आप परचेस भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन आपको इस मोबाइल के रिगार्डिंग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बोलते रहिए वंदे मातरम।